दास दर्शन करने के लिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए श्री शंकर जी सदासी बन करके प्रभु की सेवा करने के लिए आते हैं। इन्हें बिना नहीं श्री चैतन्य महाप्रभु को यह भक्त लोक में श्री अद्वैत आचार्य के ही जगत में प्रकट कराया। लेकिन शंकर जी तो सुंदर लेकिन क्यों शंकर की ये वेश को धारण करके रखे आप देखना अक्सर मेरे शंकर जी के फोटो देखोगे ना शंकर जी वैसे बैठे ठाकुर जी की भक्ति में डूबे रहते हैं। अगर उनका नेत्र कभी खुले तो क्या करते हैं बोले पंचमुख है राम नाम दान त्रिपुरारी। शंकर जी पंचमुख में भगवान के नाम को जप करते ठाकुर जी की नाम को ही जप करते हैं शंकर जी। अगर समय मिले तो पार्वती भगवान की कथा कथा सुनाते हैं। इसलिए जो संतो होते हैं ना वो अपने आप को छुपाने के लिए नहीं वो अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे लोग हमें डिस्टर्ब नहीं करें हमारी संप्रदाय में भी संतो थे वो क्या करते थे पायखाना बंद करके बैठे रहते। एक संत थे वो चारों तरफ में मछली की कांटा को चारों तरफ में बिछा करके बीच में बैठते थे। बोले क्यों लोग मेरे पास कोई आए नहीं ये सुनिए मछली वाले खाने वाले बाबा है। लेकिन दिन रात क्या करते थे एक बार हाथ उठा करके बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे कोई बोल नहीं रहे पहना करो। कल बोल रहे
इतना इसकी गले में तुलसी कटती है, जब महाराज कभी सो गए हैं जो सोने चांदी पहनते हैं, अगर नाक में एक बेसन भी होगा ना भक्ति से क्या होगा, भले ही भले ही बहू रोती रहे, सांस चली गई सांस चली गई, बेटे को कान में चुपके से बोलते कि देख ले वो भैया नाक में बेसन निकाल के उसको भी साथ में पाएगी जाने नहीं देंगे, लेकिन गले में अगर तुलसी कटती रहेगी ना इसको कोई नहीं खाएगी। गले में एक भी तुलसी की दाना गले में जिसकी है सांस पर ध्यान की देता है वो व्यक्ति सीधा वैकुंठ में जाएगा। कहाँ जाएगा? वैकुंठ में जाएगा। अगर गले में तुलसी कटती नहीं ना फिर तो जब फूल मांगते मारते जब फूल ले जाएगी, इसलिए गले में सब तुलसी कटती नहीं ना फालतू मतलब फालतू बना। ठीक है, इसलिए शंकर जी वो अपने आप को छुपाने के लिए कोशिश की, लेकिन शंकर जी छुपा नहीं सके। बोले क्यों नहीं छुपा सके? बोले शंकर जी को पास में सबसे पवित्र वस्तु है। बताओ तो शंकर जी को पास में क्या पवित्र वस्तु है? बोलो कौन बोलेगा? कोई कथा नहीं सुनते तो बात करते हैं, इतना माता है घर में कोई बात करने नहीं मिलते, लेकिन क्या सबसे पवित्र वस्तु इसलिए शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए अलग निरंजन करते करते गोकुल में पहुंच गए। वहां पर एक दासी बरुआ थी। शंकर जी पूछे, मैंने सुना है नंदक एक लाला भयो है, वो भी बोली लाला भयो तेरे का भयो है, बोले थोड़ा लाला को दर्शन करा दो। बोले बाबा कुछ दिन पहले तू तो ना गई थी, वो तो देखा मैं नहीं प्यारी लग रही थी, लेकिन निकली वो रात जैसी लाला को तो उठाकर ले जा रही थी, लेकिन नारायण की कृपा से किसे लाला भेज दिया, लाला भला दर्शन नहीं होगा। इतने मैया को जाकर तो बोलती, बोले मैया कहाँ से एक बाबा आए हो रहे कहते लाला को दर्शन करा दे, और जिसको देव करके मेरा जी हो रहा था। मैया आकर के शंकर जी को देख करके बोले बाबा कहाँ बात है, बोले तेरे घर में जो लाला भे हो ना, बोले हाँ लाला भे तो तेरे काम रहे हो, बोले लाला को दर्शन करा दे भैया आशीर्वाद तुम तो तेरे लाला को, बोले बाबा लाला वाला दर्शन नहीं मिलेगा, अपना रास्ता दे सोना चांदी भिक्षा क्यों आखा लो और रास्ता दे, बोले जब तक तुम लाला को दर्शन नहीं कराओगे ना नहीं नहीं त्रिशूल गाड़ करके बैठा रहूँगा, बोले बैठ राजा मैं चार दरवाजा पीछे निकाल लूँगी, बोले मेरा भी चार रूप है, बोले मेरे ग्यारह दरवाजा, बोले मेरे भी ग्यारह रूप है, पूरा दरवाजा में बैठ ही रहूंगा जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे मैं जाने वाला नहीं। भैया तो कृष्ण को लेकर घर की कोठरी छुपा दी, और इतने में शंकर जी डबर बजना शंकर जी ये डबर जितने कृष्ण को कान में पड़ी उतना जोर से रोए इतने जोर से डबर बजाते पूरा परिवार परेशानी हो गया। इसी गोपी ने बोले भैया जो बाबा है ना कपड़े से बोड़ करती मोटी मोटी काजल लगाती काजल का बूंद लगाती और बड़े कष्ट से कृष्ण को ले आती, बोले लाला बाबा तू बड़े अक्सर ले दर्शन कर, जब एक झलक दर्शन कराती शंकर जो रो रहे थे ना शंकर जो रो रहे थे शंकर जी हंस रहे थे, कृष्ण जो रो रहे थे खिलखिला करके कृष्ण हंस रहे थे। भैया तो समझ गई पापा नजर लग जाती है कोई उपाय है, अगर एक काम करो तो नजर लगेगा, बोल दो
सभा है, सभा में भी लड्डू ले जाते हम लोग हनुमान जी को बोलते हनुमान जी का हनुमान जी बोले फिर लड्डू ले बैठे नहीं, जब राम दरबार लिखती है बताओ हनुमान कहाँ बैठ के रहते हैं, अरे जोर से बोला शरण में, जब तक भगवान राम नहीं आए कोई चीज भैया सीता ने करती है ना सभा किया सौ मान लड्डू भी रखते हनुमान जी देखेंगे नहीं, लेकिन अगर वो राम की सेवा में लग जाए मैया सीता की सेवा में लग जाए ना हनुमान जी को खिलाने की जरूरत नहीं, हनुमान जी को करेगा ठीक है ना। इसलिए शंकर जी को हो देवी को हो गणेश जी की हो हनुमान जी की हो अगर कोई चीज अगर लगाना है पहले इनको नहीं पहले लगाओ भगवान कृष्ण को, लेकर राम को लगाओ लेकर नारायण को लगाओ फिर वो प्रसाद लेते फिर स्मरण देवता को बड़े प्रसन्न होकर खाते हैं। कभी अगर जगन्नाथपुरी जाओगे कभी सौभाग्य होगा देखोगे माँ स्वयं पार्वती कैलाश छोड़ करके भगवान को प्रसन्न पाने के लिए जगन्नाथपुरी में बैठे हैं। कभी पूरी में एक भुवनेश्वर जाकर जाओगे महाराज नदी इतना बड़ा स्थानी पृथ्वी में कहीं देखे नहीं, वहाँ पर शंकर जी कैलाश छोड़ करके जगन्नाथ जी की प्रसन्न कोई भी चीज हो सबसे पहले घर में खाना होगा ना लड्डू गोपाल पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगा जैसे फिर वो प्रसाद को जितने सेवा देती हो तो तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की आज के अभी कृष्णा धीरे धीरे कृष्णा बड़े हो गए कृष्णा अभी कितने बड़े हो गए Thank you.
स्वराज परिवार की शादियों में देखना ठाकुर जी कुछ नहीं, जितने यार दोस्त आए कि पता नहीं कितना बदलो बात है, या तो बदलो छोड़ना क्या, कितने शराब हो जाएंगे, कितना मुर्गा मुर्गी बकरा बकरे को काट कर खिला, कितने बढ़िया बढ़िया साड़ी पहनेंगे, लेकिन घर में ठाकुर बैठे हुए उसके लिए कुछ ठाकुर के लिए कुछ नहीं, दिन में दो बार साड़ी बदला रही ठाकुर जी 10-15 दिन से एक कपड़ा पहन कर बैठे, जिसने दिया उसको सब कुछ उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते उसके लिए, दूसरा मतलब है बोले भैया
ठाकुर को सब कर दिया।
लिए दस्तु रखना में खतरा डालता था। इतने ब्राह्मण को उसने हत्या की, जन्म से हुआ हत्या था उसने। लेकिन जब नारद को बोले बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय।
आप सब लोग जो यहाँ पुराने लोग हैं जानते होंगे, प्रत्येक घर में पहले तो गैया को धन से तुलना की जाती थी। जागतिक जगत का पैसा नहीं, गोधन, गजधन, बाजधन है ना, तीन प्रकार के मुख्य धन बताया जाता था। जिसके पास गैया है और जिसके पास बहुत घोड़े हैं, इनसे उनके धन की तुलना होती थी। नंद बाबा के पास में 9 लाख गैया थी, ऋषभांग बाबा 11 लाख गैया। जिसके पास जितनी गैया है उतना ही वो धनवान है। लेकिन आज के समय पर ऐसी विडंबना हो गई है, लोगों ने गैया को तो छोड़ दिया सड़क पर और घर में कुत्ते पालने लगे हैं। घर घर में कुत्ते देखेंगे, लोग कुत्तों को पालना ज़्यादा पसंद करते हैं गैया के बजाय। विचार करके देखिए, जो गैया हमको पूरे जीवन दूध से हमारा पोषण करती है, उसे तो हमने आज के समय पर छोड़ दिया है। लेकिन कुत्तों को घर में पालना चालू कर दिया। एक संतान माँ का दूध तो केवल मात्र 3 साल 4 साल तक पान करता है, लेकिन आजीवन उसका पोषण करने के लिए गैया ही दूध देती है। ऐसी गैया को सड़क पर छोड़ दिया, कहीं एक्सीडेंट होकर मर जाती है, कभी किसी के हाथ लग गई तो भोजन खाने में कट जाती है। विचार करके देखिए हमारे भारत का कल्याण कैसे होगा। कलयुग का जो प्रभाव इसी तरह से बढ़ता जा रहा है। घर घर में यदि गैया हो, घर घर में आंगन गोबर से लिपा हुआ हो, शुद्धि रहती है। आप विचार करके देखो, गैया ही एकमात्र ऐसा पशु है जिसका मलमूत्र तक पवित्र माना जाता है। मलमूत्र भी पवित्र माना जाता है। जिस कुत्ते को घर में पालते हैं उसे प्रत्येक दिन घर के बाहर ले जाकर उसका पॉटी करवाने के लिए, पेशाब करवाने के लिए बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन उसका मलमूत्र अत्यंत अपवित्र। कुत्ता यदि कोई चीज का दर्शन कर ले वो ठाकुर जी के भोग में भी नहीं लगता, इतना अपवित्र माना गया है। लेकिन ऐसे पशुओं को, बिल्ली को हम घर में पालते हैं, गैया को आज बाहर छोड़ दिया है। नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया थी और कृष्ण उनके हृदय में इच्छा हुई है, आज हम गोबर और गौमूत्र की ऐसी क्या महिमा, स्वयं दर्शन करना चाहते हैं। गौशाला में उपस्थित हुए, 2 दिन का एक बछड़ा वहां पर बैठा हुआ था। ब्रज गोपियां बड़े उत्साह से कृष्ण को उत्साहित करते हुए और कहने लगी, बोले देख लाला, तू हो गया 2 साल का, ये लथड़ा तो केवल मात्र 2 दिन का हुआ है, देखते हैं कौन किसको पराजित कर पाता है। कृष्ण ने तो जाकर अभी बछड़े की पूंछ पकड़ ली और पूंछ पकड़ते ही ब्रज बछड़ा डर गया तो उठकर दौड़ने लग गया। और ब्रज गोपियां देखकर हंस रही है, कृष्ण पीछे पीछे घिसटते हुए जा रहे हैं और गोबर गौमूत्र में स्नान करते हुए जा रहे हैं। बलदादा भी उनके पीछे पीछे, बलराम जी पीछे पीछे भागते जा रहे हैं। दोनों भैया आज गौमूत्र गोबर में स्नान कर लिए हैं, लेकिन बछड़े को रोक नहीं पा रहे हैं। ब्रज गोपियां तो हंसी ठिठोली करती करते कहने लगी, बोले कन्हैया सच में तूने जो भी दूध दही माखन खाया सब व्यर्थ हो गया। अरे कहां 2 दिन के बच्चे को नहीं पकड़वाया था, किसी काम का नहीं। रोहिणी मैया किंतु उसी समय पर उपस्थित हो गई, कहने लगी देखो री, अरे गोपियों कहां तुम छोटे बच्चे के साथ में हंसी ठिठोली करती हो, कहीं लग कर जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। देखा कृष्ण बलराम दोनों गोबर में सने हुए हैं। मैया यशोदा ने लेकिन जब ये बात देखी इतनी दुखी हो गई और क्रोधित भी आने लगा, बोले तुम दोनों को मैंने अभी श्रृंगार किया था, सुंदर स्नान करके श्रृंगार किया है और ऐसे समय पर तुमने कहां पूरे शरीर को गोबर से लेप लिया। अरे क्या पूर्व जन्म में शुअर थे, पूर्व जन्म में क्या शुअर थे। श्री ब्रज गोपी मैया यशोदा जब ऐसी बात कहने लगी, कृष्ण बलराम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और सर हिलाते हिलाते मानो कृष्ण कहने लगे हैं, पंका भी सक्त सकला भयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशाद् यशोदा त्वं शूकरोऽसि गत जन्मनि पूत नारे इत्युक्त संस्मित मुखो अतुनो मुरारे। यशोदा मैया कहने लगे, क्या पूर्व जन्म में तुम सुअर थे, क्या शुकर था, कहा पूरे जब शरीर को कीचड़ गोबर गौमूत्र से ढक लिया है। बोले हाँ मैया, मैंने ही तो पूर्व जन्म में बराह रूप धारण किया था, बराह रूप तो शुकर रूप ही तो था ना। बलराव की तरफ देखकर मानो कृष्ण कह रहे हैं, बोले मैया हमारे स्वरूप को जानती है, समझ गई है। दोनों मानो गर्दन हिला रहे हैं। एक समय पर कृष्ण जब ऐसी मधुर मधुर लीलाएं कर रहे थे, मन में विचार हुआ कि कुछ ऐश्वर्य प्रकाशित किया जाए। यद्यपि माँ को मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, लेकिन तब पर भी एक बार फिर दिखाने की इच्छा हुई।
कृष्ण ने क्या किया, आज ब्रजरज की महिमा स्थापित करना चाहते हैं। आप लोगों ने रसखान का नाम सुना है, रसखान का, रसखान जी एक सुंदर पद में वर्णन करते हैं कि रमण रेती लोट्यो नहीं कियो न जमुना पान, रे मूर्ख तू क्या जाने ब्रज के तत्व महान। बोले यदि किसी को ब्रज में जाना हो और ब्रज के भाव को समझना हो, ब्रजवासियों की महिमा को समझना हो, तो दो चीजें जरूर करनी पड़ेगी। बोले क्या क्या? रमण रेती में जाकर लोट को खाना पड़ेगा, वहां की रज को मस्तक पर लगाना ही पड़ेगा और जमुना स्नान करना पड़ेगा। आज कृष्ण भी साक्षात ब्रजरज की महिमा दिखाने के लिए ब्रह्मांड घाट पर उपस्थित है। एकदा क्रीडमानस्ते रामद्या गोपदारक कृष्णे मृदं पक्षित पानिति मात्र नवेदयन। कृष्ण आज ब्रह्मांड घाट पर सखाओं के साथ में मिट्टी से खेल खेल रहे हैं। क्या खेल खेल रहे हैं? पूरे मिट्टी के घर बना रहे हैं। बच्चे जिस तरह से मिट्टी के घर बनाते हैं, पैर डालेंगे मिट्टी के अंदर, उसके ऊपर मिट्टी जमा देंगे और थोड़ी देर में निकाल लेंगे, तब देखना बड़ा सुंदर सा घर बन जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, है ना, देना सा बन जाता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण आज सभी सखाओं के साथ में, राम श्रीराम मधुमंगल स्तौ कृष्ण, सभी के साथ में घर बना रहे हैं। सभी सखाओं ने बड़े बड़े घर बना लिए, किसी ने दो, किसी ने चार, किसी ने छह, लेकिन कृष्ण जब जब भी घर बनाने की चेष्टा करते हैं, मिट्टी के अंदर पैर डाला, मिट्टी जमाई, जैसे ही पैर बाहर निकाला फंस गया। एक घर भी प्रभु आज बना नहीं पा रहे हैं, अत्यंत दुखी होके मन ही मन विचार कर रहे हैं। श्रीराम के तीन घर बन गए, सुराम के चार घर बन गए, मधुमंगल ने भी पांच बना लिए, सब बड़े सुंदर फूल मोरपंख लगाकर सजा रहे हैं। अरे मेरा एक भी घर नहीं बन रहा, ये क्या हो रहा है? दुखी होकर भगवान जब चिंतन कर रहे हैं, आकाश मार्ग से देवता भी दर्शन कर रहे हैं, बोले देखो प्रभु की कितनी अद्भुत लीला है। अरे जिनकी एक श्वास लेने से अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि हो जाती है, आज वो ही प्रभु एक साधारण मिट्टी का घर नहीं बना पा रहे। क्या आश्चर्य की बात है, एक साधारण मिट्टी का घर नहीं बना पा रहे, दुखी हो रहे हैं, लेकिन यही है ब्रज की लीला। कृष्ण कहने लगे मधुमंगल से, बोले मेरा भी कुछ घर बनाने में सहायता कर दो। मधुमंगल कहता है मैं क्यों सहायता करूं, तुम अपना घर स्वयं बनाओ। कृष्ण ने फिर से चेष्टा करी, डाला मिट्टी के अंदर पैर, जमा दी मिट्टी, जैसे ही पैर बाहर निकाला फिर घर धस गया। कृष्ण को तो इतना क्रोध आया, सारे सखाओं के घर तोड़ दिए, सारे सखाओं के घर तोड़कर और आज ये ब्रज ब्रज को ही खाना चालू कर दिया। बोले तारीख के इतनी देर हो गई, मैं घर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक घर भी नहीं बन रहा, मिट्टी खाना आरंभ कर दिया। प्रभु ने आज मृदु भक्षण लीला प्रकाशन कर रहे हैं, मिट्टी खाना चालू कर दिया। सखा कहने लगे कन्हैया ये क्या कर रहे हो, अरे तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, मिट्टी मत खाओ। कन्हैया किसी की सुनने वाले नहीं। राहुल दादा ने आकर भी मना किया, बोले कन्हैया मैं जाकर यशोदा मैया से शिकायत कर दूंगा, तुम ये मिट्टी मत खाओ। वात्सल्य भाव में बलदादा ने भी आज कन्हैया को मना किया, लेकिन मान नहीं रहे हैं, मिट्टी खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। उसी समय पर बलराम जी ने जाकर मैया यशोदा को शिकायत कर दी, बोले मैया मैया सुनती हो? बोले क्या दाऊ क्या हुआ है? बोले आज कन्हैया ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाना आरंभ कर रहा है, मिट्टी खाना चालू कर दिया, तुम जाकर उसकी रक्षा करो। मैया यशोदा तो सुनते ही दौड़ी दौड़ी आई और हाथ में एक छड़ी, ब्रह्मांड घाट पर जब उपस्थित हुई सीधा जाकर कान ऐंठ रही है, छड़ी दिखाते हुए प्रश्न करने लगी, क्यों रे दुर्गंधी, अरे हमारे घर में क्या माखन मिश्र की कमी थी? घर घर जाकर माखन चोरी करता है, 56 भोग मैं तेरे लिए बनाती हूँ, लेकिन वो सब ना खाके और आज मिट्टी खाना चालू कर दिया, क्या हमारे घर में किसी चीज का कमी है? कृष्ण लेकिन मैया को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए, बड़े डर गए हैं प्रभु। अपनी रक्षा के लिए आज प्रभु कहने लगे, बोले मैया मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले मिट्टी नहीं खाई? ये सखा तो कह रहे तूने मिट्टी खाई है। बोले मैया तुम जानती नहीं, ये सखा सब झूठ कहते हैं। बोले सब झूठ कहते हैं? तू एकमात्र हरिश्चंद्र की संतान, तू सत्यवादी है, लेकिन सारे सखा झूठ कह रहे हैं। अरे बलदाव तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो कैसे झूठ बोल रहे हैं? बोले मैया जानती हो आज क्या हुआ है? बोले आज ये सारे सखा अपने घर से लड्डू मालपुआ कचोरी सब चोरी कर करके लाए थे
और मैया तू तो जानती है मैं कोई चोरी की वस्तु नहीं खाता। बोले मैया सोचने लगी, हाँ मैं सब जानती हूँ, तो क्या खाता है तो क्या नहीं खाता, क्या करता है क्या नहीं करता, मैं सब जानती हूँ। बोले सच्ची मैया मैं चोरी की वस्तु नहीं खाता। ये अपने घर से जो लड्डू मालपुआ चोरी कर करके लाए थे खाने लगे, मुझे जब दे रहे थे मैंने मना कर दी। ये लोग विचार करने लगे कि अगर मैंने जाकर मैया से शिकायत कर दी तो डंडे पड़ेंगे, इसीलिए मेरे कहने से पहले मेरे नाम पे इन्होंने झूठी शिकायत कर दी। कृष्ण की रक्षा के लिए उक्ति दे रहे हैं। मैया कहने लगे कि बलदाव तो कभी झूठ नहीं कहेगा, उसने कैसे कहा कि तूने मिट्टी खाई है। बोले मैया ये दाऊ दादा भी ना देखने में है गोरा लेकिन अंदर से बहुत काला है, ये भी झूठ कह रहे हैं। सच में आज कृष्ण मानव तत्व प्रकाशित कर रहे हैं यहाँ पर। अरे कृष्ण के बलदाऊ के हृदय में तो सब समय कृष्ण विराजमान है, इसीलिए बाहर से देखने में गोरे हैं लेकिन अंदर से काले। अंदर से काले मतलब कृष्ण जिनके हृदय में विराजमान है। मैया कहने लगी यदि मिट्टी नहीं खाई तो मुंह खोल कर दिखा। बोले हाँ मैया ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्या संशिना यदि सत्य गिरस्तर समक्षम पश्चमे मुखम। कृष्ण कहने लगे मैया ना हम भक्षितवान मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया कहने लगी कि तूने मिट्टी नहीं खाई क्या प्रमाण है। बोले सर्वे मिथ्या भी संशिना और अगर नहीं मानती हो मेरा मुंह खोल कर देख लो, मेरा मुंह खोल कर देख लो। कृष्ण मन ही मन विचार कर रहे थे अगर मैं मैया को बड़े कॉन्फिडेंस से बड़े उत्साह के साथ में कह दूं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई मुंह खोल कर देख ले मैया मान लेगी, लेकिन आज मैया ने कहा मुंह खोल कर दिखा। अब कृष्ण तो फंस गए, मुंह में है मिट्टी हाथ में मैया की छड़ी, अगर मुंह में मिट्टी दिख गई तो निश्चित रूप में सारे डंडे पीठ पर पड़ेंगे। कृष्ण मन ही मन विचार कर रहे हैं क्या किया जाए, किसी तरीके से इधर देखते हैं उधर देखते हैं मिट्टी को अंदर सटकने की चेष्टा कर रहे हैं। चोट की जैसे चोरी पकड़ी जाती है और उस समय पर लज्जित होता है, वैसे ही आज कृष्ण की दशा हो जा रही है, मिट्टी अंदर घटकने की कोशिश कर रहे हैं। मैया कहती है मुंह खोल कर दिखा। अरे मुंह खोलना इतना भयभीत क्यों होता है, कृष्ण के मुंह में मिट्टी है या नहीं आप बताओ, कृष्ण ने मिट्टी खाई कि नहीं खाई, मिट्टी खाई कि नहीं खाई। फिर आज कृष्ण ने मना कैसे कर दिया ना हम भक्षित मानव। अरे मान तो सत्य संकल्प है, देवकी के गर्भ में जिस समय पर भगवान आए थे सारे देवता उनको सत्य व्रतम सत्य परम सत्य त्रिसत्य कहकर स्तुति कर रहे हैं, लेकिन आज वही कृष्ण ने झूठ बोल दिया। भगवान अगर झूठ बोलेंगे तो फिर तो मानो हमें भी सर्टिफिकेट मिल गया हम भी झूठ बोलेंगे, ऐसा ही ना। कृष्ण ने मिट्टी खाई कि नहीं खाई बताओ भाई, खाई ना। आज कृष्ण लेकिन कह रहे हैं ना हम भक्षितवान होगा, क्या कारण है इसका। हमारे टीकाकार कहते हैं बोले कृष्ण अभी नर्वत लीला कर रहे हैं, एक छोटे शिशु छोटे बच्चे हैं और मैया के भय से भयभीत होकर कृष्ण ने जो कुछ भी कहा है उस वचन को झूठ नहीं माना जाएगा, उसको झूठ नहीं माना जाएगा। कृष्ण कहते हैं ना हम भक्षितवान अर्थात ये संस्कृत देखो, कहते हैं अगर इसका संधि विच्छेद करो तो हो जाएगा ना अहम भक्षितवान। कृष्ण लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं बोले मैया तू छोटे से मिट्टी की क्या बात कर रही हो, मैंने तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड खा रखा है, यदि नहीं मानती तो मुंह खोल कर दिखा दूंगा। इसलिए कृष्ण ने क्या किया अपना मुंह खोल दिया और मुंह खोलते ही इतना विराट रूप मैया ने बड़े बड़े पर्वत पहाड़ ग्रह नक्षत्र कितना कुछ कृष्ण के उस छोटे से मुख के अंदर देख रही है, स्वयं को भी कृष्ण के ऊपर शासन करते हुए वहां पर देख लिया। मनीमन विचार करने लगी अरे क्या कोई आई भलाई तो नहीं लग गई, मेरे लाला पे कोई डाकिनी शाकिनी कोई भूत पिशाच तो नहीं लग गया, ये इसकी छोटे से मुख के अंदर मैं क्या देख रही हूँ, भयभीत हो रही है चिंता कर रही है, इतना वात्सल्य प्रेम है हृदय में स्वीकार करने को राजी नहीं कि कृष्ण भगवान है, भगवान के मुख में ही तो विश्व ब्रह्मांड होता है, लेकिन मैया स्वीकार नहीं कर रही। मनीमन चिंता करती है कि लगता है इसे कोई भूत पिशाच लग गया। फिर दूसरे मन विचार करती है हो सकता है ये भगवान तो नहीं, हो सकता है ये भगवान हो। कृष्ण को जब ये स्मरण आया ठीक उसी समय पर कृष्ण की एक शक्ति योग माया उन्होंने उसी समय पर
सारा विश्व ब्रह्मांड का दृश्य कर दिया। इसलिए देखो वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, लीला वेश प्रभु नानी देहानुसंधान उतर गया, उनको भगवान मानने लगा।
लेकिन मैया यशोदा उनका कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम और बढ़ गया। ये ही है ब्रज का माधुर्य। कोई कृष्ण को वहाँ पर इतना ऐश्वर्य दिखाने पर भी भगवान नहीं मानता, कोई उसे अपना लाला, कोई उसे अपना सखा, कोई उसे अपना प्रियतम कर भी नहीं मानता। भगवान की भगवान ने ब्रज में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करी है और इन लीलाओं को श्रवण करके भी हमारे ये पत्थर दिल यदि विचलित नहीं होता। शास्त्र वर्णन करते हैं भगवान नाम श्रवण करके, भगवान नाम कीर्तन करके यदि हृदय विचलित नहीं हो रहा, नेत्रों से अश्रु धार नहीं प्रवाहित हो रहे, तब हमारा जीवन व्यर्थ है। ऐसे करुणामय भगवान का भी यदि हमने भजन नहीं किया तो हमारा जीवन पूर्ण रूप में व्यर्थ हो जाएगा। ये सब लीलाओं का एकमात्र उद्देश्य यही है, हे जीव कहाँ इस संसार में तुम दुख कष्ट भोग कर रहे हो, मेरे प्रति आकृष्ट हो, मैं तुम्हें आकर्षण करने के लिए ही ये सुंदर सुंदर लीलाएं करता हूँ, मेरे प्रति आकृष्ट होकर अपना जीवन भजनमय बना लो, भगवान का भजन करना आरंभ करो। लेकिन कभी कभी आप लोग थोड़ा आगे आगे आ जाइए, सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाइए, पीछे जो भक्त आ रहे हैं उनको बैठने की जगह मिल जाएगी। आगे आगे आ जाइए, सभी जल्दी जल्दी आ जाइए, सबके सब घर में जी जम गए, माता है सरकने और आ जाइए, और फट के आगे आ जाओ, फट के आगे आ जाओ, राधे तेरे चरणों में बोलेंगे आप, राधे तेरे चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे Yeah.
महीने के अंत में 10% मुझे ला कर देगा। ठीक है, भिखारी प्रसन्न हो गया। 10% सेठ जी का, 90% भिखारी का। अभी काम करना आरंभ किया है, मेहनत तो था ही, इतना अच्छे से उसने व्यवसाय को बढ़ाया चलाया, दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करता है। महीने का अंत जैसा ही हुआ, इस तरफ सेठ जी बड़ी आशा में बैठे थे कि आएगा 10% मुनाफा लेकर आएगा, लेकिन पहला महीना जैसे ही बीता, भिखारी कुछ भी लेकर नहीं आया, कुछ भी लेकर नहीं आया सेठ जी के लिए। सेठ जी विचार करने लगे, हो सकता है काम में बड़ा व्यस्त है, दूसरे महीने 20% ले आएगा। अभी दूसरा महीना निकला, लेकिन दूसरे महीने में भी कुछ नहीं आया। 3 महीने निकले, कुछ नहीं। 4 महीने निकले, कुछ भी नहीं। 6 महीने निकल गए, लेकिन भिखारी का आता न पता। सेठ जी मनी मन विचार करने लगे, सारे बिजनेस की ओनरशिप दे दी, सारा व्यवसाय उसे दे दिया। महीने के अंत में केवल मात्र 10% मुनाफा की आशा थी, वो भी देने नहीं आ रहा। अरे 6 महीने गुजर गए, कहीं जीवित है या मर गया, जाकर एक बार पता तो लगाऊं। सेठ जी इसीलिए अभी उसकी खोज खबर लेते लेते आए, ढूंढने लगे, किसी स्थान पर मिला था, आसपास कहीं होना चाहिए। देखा तो वहीं पर उसने बड़ा एक विराट बंगला बना लिया, बहुत सुंदर घर बना लिया। घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी है, नौकर चाकर काम कर रहे हैं। सेठ जी घर के अंदर घुसे, देखा सामने से सीढ़ियों पर उतरता हुआ आ रहा है, सूटेड बूटेड बड़े बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं। क्या ठाट बाट हो गए भिखारी के तो आज, और सेठ जी को देखकर पहचान नहीं रहा। लेकिन सेठ जी से प्रश्न करने लगे, बोले मुझे जानते हो? बोले हाँ, आपको कहीं देखा तो है, जाने पहचाने से लग रहे हो। सेठ जी कहने लगे कि जिसके बिजनेस का, जिसके व्यवसाय का पूरा ओनरशिप लेकर तुम इतने ठाट बाट से रह रहे हो, मैं वही सेठ, मेरा ही बिजनेस लेकर तुम्हारे इतने भारे न्यारे हुए हैं। भिखारी तो जान गया, पहचान गया। बोले हाँ हाँ, मुझे स्मरण आ गया। बोले हमारी कुछ डील हुई थी ना, हमारी कुछ बात हुई थी, ये बिजनेस ओनरशिप देने से पहले मैंने तुमसे कुछ डील करी थी। बोले क्या डील? बोले तुम्हें स्मरण नहीं, मैंने कहा था महीने के 90% सारा मुनाफा तुम्हारा रहेगा, लेकिन महीने के अंत में 10% मुझे देना होगा, तुम्हें याद नहीं? बोले हाँ, ऐसा कुछ बात हुई तो थी। सेठ जी तो अवाक हो जा रहे हैं, बोले इसे वो तक भी याद नहीं। सेठ जी कहने लगे, देखो कि 6 महीने निकल गए, तुम मेरे पास कुछ भी तो लेकर आए नहीं। हर महीने के अंत में 10% लाने की बात हुई, लेकिन तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, ऐसा क्यों? भिखारी कहने लगा कि देखो सेठ जी, पूरे महीने गधे की तरह परिश्रम करूं मैं, सारे बिजनेस की माता कोड़ी, कहां से क्या लाना, कहां किसको क्या देना, सबकी सैलरी, सब कुछ सारा हैंडल मेरे ऊपर, लेकिन घर बैठे बैठे तुमको महीने के अंत में 10% में किस बात का दे दूं? तुमको 10% में क्यों दे दूं? विचार करके देखिए, ये भिखारी और ये सेठ, ये कोई और नहीं, ये हमारे जीवन की कथा, हमारे जीवन की कथा है। अगर आपका बिजनेस कोई इस तरह से लेकर और आपके साथ में करे, आपको महीने के महीने जो लगाने की डील हुई थी वो ना पूरी कर पाए, आप क्या करेंगे ऐसे व्यक्ति के साथ? बताओ क्या करोगे? ऐसे भिखारी और सेठ जी का दृष्टांत देकर हमारे जीवन को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दाता, वो सेठ जी और कोई नहीं, वो सांवरिया सेठ है, वो भगवान ही है जिसने हमको सब कुछ प्रदान किया। बड़े ध्यान से सुनिए, उस भगवान ने ही हमें सब कुछ प्रदान किया, हम तो दर दर भटकने वाले भिखारी ही हैं, भिखारी ही थे, और अगर उनकी कृपा ना हो तो बाद में भी भिखारी हो जाएंगे। लेकिन उस सांवरिया सेठ ने हमें क्या नहीं दिया, विचार कीजिए। अरे रास्ते पे भटकने वाला एक दर दर का पशु नहीं बनाया, कुत्ता नहीं बनाया, इसे अपने खाने के लिए इधर से उधर भटकना पड़ता। हमें मानव शरीर प्रदान किया, सभी को मनुष्य शरीर प्रदान किया, और वो भी अंधा लूला लंगड़ा ऐसा नहीं, सुस्त काया, सब चीज प्रदान करी है हमको, कहीं दरिद्र भिखारी के रूप में जन्म ना देके और अच्छे घर में जन्म दिया, समृद्ध माता पिता दिए जिन्होंने हमें शिक्षा वरण पोषण सब कुछ दिया है। पीछे जो खड़े हैं बैठ जाओ, पीछे जो माताएं आ रही वहीं पर बैठो, आगे आप बताओ।
वहीं पर बैठ जाए, जिस पर जगह जिसे जहाँ जगह मिल रही है वहीं पर ही बैठ जाइए। पीछे आकर के आगे क्यों आ रहे हो, जो पीछे आए पीछे ही बैठो। इसीलिए भगवान ने हमें सब कुछ प्रदान किया है लेकिन हम भगवान को भूल गए। मातृगर्भ में विचार करके देखिए, प्रत्येक जीव जो मातृगर्भ में होता है उसी समय पर भगवान से वादा करता है। अत्यंत दुख कष्ट में हमारी कल बहन एक बता रही थी, माँ के गर्भ में जब एक संतान रहती है, शिशु होता है, उल्टा लटका हुआ, टट्टी पेशाब मल मूत्र खून रक्त इन्हीं सबसे सना हुआ वो जगह, और पैर नीचे ऊपर की और सर नीचे की तरफ, छोटी सी जगह के अंदर बड़ा दुख कष्ट पाता है। माँ जब कुछ खट्टा तीखा खाती है वो सीधा जाकर बच्चे की चमड़ी पे लगता है, और कोमल स्किन पर कोमल त्वचा पे जब नमक मिर्ची लगता है बड़ा कष्ट होता है उसे। और ऐसे कष्ट को भोग करते हुए हम आए हैं भगवान से, उसी समय पर वो शिष्य प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। भगवान प्रश्न करते हैं यहाँ से बाहर निकल कर क्या करोगे? जीव कहता है कि आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, मैं समझ गया हूँ आपका भजन नहीं करने के कारण मुझे ये दुख कष्ट भोग करना पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ से मुझे बाहर निकालिए, मैं केवल मात्र आपका ही भजन करूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं पक्का? बोले हाँ पक्का प्रभु, डील फाइनल, यहाँ से बाहर आप निकालिए, बाहर निकल के मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन बाहर आते ही माया में ग्रसित हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि बारिश की बूंद जब तक आकाश में है तब तक तो पवित्र है, स्वच्छ है, लेकिन जैसे ही नीचे गिरी, भूमि पड़त घाटा भर पानी जिमी जीवन ही माया लिपटानी, जैसे ही भूमि पर विपतित होती है साथ साथ में गंदी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार मातृगर्भ में तो जीव को ये ज्ञान रहता है लेकिन बाहर आने के साथ साथ सब भूल जाता है। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, भगवान कहते हैं चिंता मत करो, अगर भूल जाओगे तो मैं तुम्हें वार्निंग दूंगा। बोले क्या वार्निंग? बोले मैं तुम्हें चार चार वार्निंग दूंगा। बोले क्या वार्निंग है? आप देखना भगवान हमें वार्निंग के रूप में सबसे पहले भगवान कहते हैं भजन करने के लिए मानव देह प्रदान किया है, वो यदि नहीं कर रहे हो कुछ समय में मर जाओगे, क्या करना चाहिए? बोले तो मुझे बाल पकने लग जाते हैं। देखना बाल पकने लग जाते हैं, बाल सफेद होने लग जाते हैं, ये भगवान की वार्निंग है, लेकिन हम उस वार्निंग को नहीं सुनते और भूल जाते हैं। भगवान उसी समय पर आंखों से देखना कम करवा देते हैं, वो भी हम नेग्लेक्ट करते हैं। भगवान बार बार हमें सुयोग प्रदान कर रहे हैं, हम उसे छोड़कर और केवल मात्र विषय भोग में लगे रहते हैं। लेकिन सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, देखिए जहां जगह मिल रही बैठ जाओ, पेट में आना और नरक में आना बराबर है, ये भगवान पूछते हैं।
आज रसगुल्ला खाना कल देखना पिस्ता बन कर इतना पेट के अंदर में गर्मी है और इसी गर्मी ताकी पेशाब थली में हम लोग ने 9 महीना तक हमने दिखाई 9 महीना उसी समय में उसकी हजार जन्म की बात किया जाता है पूर्व जन्म में हमने कैसे बेईमानी करके झूठ बोल के पैसा कमाया लेकिन झूठ बेईमानी करके तो पैसा कमाया परिवार को तो पाल ले लेकिन वो पति कहाँ है वो पति भी कहाँ है वो पिता माता कहाँ है यहाँ तो कोई साथ नहीं दिखाई यहाँ पर जिन लोगों के लिए कहाँ है सबके साथ फिर भगवान को बोलता प्रभु ये संसार माया है सब मतलब का संसार है प्रभु मेरे को ये नरक से निकाल दो भगवान के लिए बता क्या करोगे फिर मैं सब समझ गया संसार में कोई किसके थे नहीं एक बार केवल चांस दे दो उठते बैठते सोते थे मैं जाप नाम जप करो भगवान कहते हैं क्या तुम प्रश्न बात करके बोल रहे हो जब फिर जन्म देगा ऐसा तो नहीं भगवान को देखा है बहुत भगवान की भक्ति करता है इसलिए तो नहीं बोलोगे फिर वो बच्चा कहता है प्रभु एकदम नहीं दूंगा उठते बैठते सोते थे नाम जप करूंगा भगवान कहते हैं अगर तुम भूल जाओगे ना मैं बीच बीच में पार्टी की दूंगा ध्यान से सुनो क्या पार्टी आप देखना जब एक बात पक जाती है नजर करके देखना कहाँ से होता है यही से आप नजर करके देखना सबसे यही से बात पकना शुरू मतलब क्या ऊपर का बैल बढ़ गया बोल कर गया था भजन करोगे इतने माला जप कर रहे हो इतने समय टीवी देख रहे हो इतने समय स्मार्टफोन पे निकालते हो इतने समय बेटी को पार्टी के भगवान खुद कहते हैं एक बात बाकी है लेकिन हम क्या करते हैं उसकी पार्टी हम नहीं सुनते आग उखाड़ जाते बल्कि इतना जल्दी बुरा बड़ी बना दिया हमने कुछ भी नहीं हुआ फिर दूसरा बात भी पकता है पकती भी नहीं फिर उसको भी हम उखाड़ देते हैं तीसरा बात पक गया उसको उखाड़ देते हैं लेकिन टीवी बन जाए घर में नहीं मिलेगा कवर कर देते हैं उसकी पार्टी को हम नहीं सुनते हैं फिर दूसरे पार्टी को देता है गलतियाँ फिर आंखों में कमजोरी आ जाती है जाने से पहले लेकिन उसको पार्टी को
Thank you.
सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसकी मन पसंद चीज को दे देकर तो खुश करते हैं, लेकिन अंतिम समय जो एक कदम भी साथ में चल रहा है
आपको
साइंस का युग है। लोग कहते हैं ना कोई चीज अगर साइंस से जोड़ करके बताओ बोले भैया इसमें कुछ दम है, नहीं तो बोले चाहे इसे बकते हैं जो कुछ होता है। अभी बच्चे आपको कुछ अच्छी अच्छी बात बताएंगे इसमें से पढ़ लो। ज्ञान किलिरां नश्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शिवगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य दयालु प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादी भक्त। सब लोग एक बार हाथ उठाकर बोलेंगे बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शीतल गोस्वामी गुरु महाराज के चरण में साष्टांग नमस्कार करते हैं। कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग चित्रलीला प्रविष्ट ओम विष्णु पार्षद भक्ति सिद्धांति गोस्वामी महाराज चित्रलीला प्रविष्ट भक्ति मंत्र नारायण गोस्वामी महाराज जगत गुरु प्रभुपाद सौपाद सुपरिकर गौर नित्यानंद को समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी कथा श्रवणकारी भक्त वृंद सबके चरण और भक्त वशन भगवान की। इस प्रकार गुरुदेव के आदेश से अभी हम तिलक और कंठी और भगवान के नाम क्यों जप करना चाहिए इसके ऊपर थोड़ा सा श्रवण करते हैं। देखो कोई व्यक्ति अगर यहाँ से कहीं दूसरे देश जाए अपने गांव से कोई दूसरे गांव जाए तो उसके लिए क्या करता है, प्रिपेरेशन करता है कि नहीं, आया और चले गए क्या करते हैं, प्रिपेरेशन करते हैं, ब्रश वेस्ट रखते हैं, कपड़े आदि रखते हैं, सब चीज़ बैग में पैक करके ट्रेन टिकट बॉस टिकट बुक करते हैं फिर हम निकलते हैं आगे नहीं। हर चीज़ के लिए क्या है हमारे पास, प्रिपेरेशन है। यहाँ तक माता है देखना कि माता की इच्छा हुआ थोड़ा कढ़ी चावल बना लें, माता की इच्छा हुआ थोड़ा राजमा चावल बना लें तो क्या करते हैं मार्केट से वो सब चीज़ लेके आते हैं पूरा प्रिपेरेशन करते हैं फिर किचन में जाके फिर बनाते हैं आगे नहीं, ऐसा करते हो कि नहीं। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति अगर बाथरूम तक भी जाए तो बिना गमछा बिना बर्तन से नहीं जाता तब तक भी प्रिपेरेशन है। लेकिन एक ना एक दिन हम इस जगत में चले जाएंगे, हम इस शरीर को छोड़ देंगे, एक ना एक दिन हम इस शरीर को छोड़ देंगे। जैसे कोई चला जाता है ना मृत्यु हो जाता है तब क्या कहा जाता है कि वो व्यक्ति मर गया, वो व्यक्ति चले गए बोलते हैं कि नहीं, वो व्यक्ति अमुक व्यक्ति चले गए। अरे चल के गया क्या, व्यक्ति तो वहीं पर ही है, वास्तव में चल के गया क्या, कुछ तो चीज होगा जो चल के जा रहा होगा आगे नहीं, क्या आत्मा, आत्मा कितने लोग मानते हो आत्मा चल के गया, हम लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को मानते हैं। देखो हम यहाँ से किसी ना एक दिन हमारा शरीर छूटेगा, बताओ कोई एक व्यक्ति हमारे एक ना एक दिन हमारा मृत्यु सुनिश्चित है, हम सब मरेंगे पक्का, पक्की बात है। और यहाँ तक कि ये भी हम गारंटी नहीं दे सकते कि यहाँ से सही सलामत प्रसाद पाते घर से घर में जाएंगे, घरों मत कह रहा हूँ कि यहाँ से घर तक भी जाओगे कि नहीं इसका गारंटी नहीं है, है किसके पास गारंटी बोले नहीं है। तो देखो एक ना एक दिन सबको मरना है, तो मर के हम इस जगत से उस जगत में जाएंगे, हम मर के उस जगत में जाएंगे। तो बता रहे हैं हम साधारण जगत में क्या करते हैं, कहीं जाने के लिए कुछ प्रिपेरेशन करते हैं, और इस जगत से हम भगवान के धाम को जाएंगे, क्या इसके लिए हमें प्रिपेरेशन करना चाहिए कि नहीं, बोले करना चाहिए। तो देखो इस दुनिया से या इस स्टेट से इस कंट्री से अगर हम विदेश जाए तो हमें क्या क्या आवश्यक होता है, तीन चीज का आवश्यक होता है, क्या क्या माता जी ने बोल दिए,
पासपोर्ट, वीजा और आईडी और टिकट और क्या पैसा, तीन चीज का जरूरत होता है। लेकिन हम इस शरीर एक दिन छोड़ देंगे और इस शरीर छोड़ करके अब भगवान के धाम को जाएंगे तो भैया हमें भी तीन चीज का जरूरत होगा। बोले क्या? पासपोर्ट, वीजा और टिकट। बोले पासपोर्ट क्या है? बोले हम जो तिलक कर रहे हैं ये पासपोर्ट है। देखो ये तिलक का क्या महिमा है। देखो हम लोग सनातन धर्म है कि नहीं, हम लोग सनातन धर्म में किसी पंडित जी को बुलाओ घर में पूजा करने के लिए, किसी को शादी ब्याह करने के लिए कोई पंडित बुलाओ, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए बुलाओ तो सबसे पहले वो क्या करते हैं बताओ तो? सबसे पहले वो माथे में तिलक करवाता है, हाथ में वो गड़वा मानता है। जब तक वो तिलक नहीं करेगा तब तक वो कुछ भी कार्य नहीं करेगा। हम लोग महाभारत रामायण आदि टीवियों में सीरियल्स में देखे होंगे जिस समय कोई बड़े बड़े योद्धा युद्ध करने के लिए निकलते हैं उनके धर्म पत्नियाँ उनके घर के बहु बेटी क्या करते हैं? उनको तिलक करते हैं और उनके ऊपर स्वस्ति आदि पाठ करते हैं। तिलक करते हैं कि नहीं? तो बता रहे हैं कि इसको बोलते हैं विजय तिलक। जत्र दृश्यते तत्र विजय होवे। कि तिलक करके अगर कोई व्यक्ति जहाँ जहाँ जाए उसी स्थान पे जहाँ जहाँ जाएगा उसी स्थान पे उसका विजय होगा, उसका मंगल होगा, इतना ये तिलक का गुण है। बता रहे थे ना गुरुदेव कि ये तिलक धारण करके कोई व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाए तो ये यम महाराज स्वयं यमदूतों को कह रहे हैं कि देखो जो व्यक्ति के गले में घंटी हो, माथे पे तिलक हो और हाथ में भगवान का माला हो उसी व्यक्ति के पास दूर से भी उसको छाए को भी स्पर्श मत करना, दूर से देख के प्रणाम करके चले आना, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मेरे मालिक के भक्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति मेरे मालिक के भक्त होते हैं। तो बता रहे हैं देखो ये तिलक का क्या महिमा है। तिलक धारण करके अगर किसी का मृत्यु हो जाए तो पक्का गारंटी है कि वो नरक नहीं जाएगा। ये पक्की बात है कि उसको जमदूत नहीं ले जाएंगे, उसको साक्षात भगवान के धाम प्राप्त होगा। ये तिलक का महिमा है। और तिलक ये साक्षात ठाकुर जी का चरण पादुका है। देखना यहाँ पे राम कृष्ण आदि गणेश हनुमान जी को देखना, उनके पूरा माथे पे क्या है? तिलक है। नारायण को देखे हो, नारायण के माथे में पूरा का पूरा तिलक है। आधे कपोल तो उनका पूरा तिलक से भरा हुआ है। इस प्रकार तिलक का ये महिमा है। लेकिन ठाकुर जी करते हैं, देवता करते हैं, लेकिन हम करने के लिए हमको लज्जा आता है। बोले क्यों लज्जा आता है? हम बड़े स्टार बनना चाहते हैं, हम जो बॉलीवुड में गंदे गंदे काम करने वाला एक्ट्रेस को उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनको फॉलो करके हम अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। हम ठाकुर जी के तरह होने नहीं चाहते, हम ठाकुर जी लगा रहे हैं उनको शर्म नहीं, हम लगाएंगे हमको शर्म आ जाएगा। भैया हम शाहरुख खान के बहुत सारे लोग फैन हैं, उसके तरह हेयर स्टाइल करते हैं और बोलते हैं कि हम शाहरुख खान के बड़े फैन हैं, उनके तरह हेयर स्टाइल करें। लेकिन जिस समय उसके बेटा पकड़ा गया कुछ खराब काम से तो आधे से ज़्यादा लोग मुड़ मुड़ा लिए। वो लोग फैन कहाँ गया? हम लोग बॉलीवुड स्टार को देख के बोलते हैं हम ऐसे करना, माताएं सोचते हैं हम क्या करेंगे ऐश्वर्या राय जैसे बाल बनाएंगे, हाँ हम क्या करेंगे बाल में कलर लगाएंगे, ऐसे करेंगे। अभी बॉलीवुड में ऐसे एक्ट्रेस हैं जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, नहीं लूँगा मैं, ऐसे घटिया काम करते हैं। कुछ माताएं तो आजकल जो उनके बाल बनाए थे ना, कुछ लोग उनके शरीर पे टैटू लिख दिए थे, कुछ उनके नाम लिख दिए थे, उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और मिट नहीं रहा है, इसलिए लज्जा के मारे घर से नहीं निकल रहे। तो बताओ ऐसे फैन का क्या जवाब होते हैं? ना खुद का कल्याण करते हैं वो लोग, ना हमारा कल्याण करते हैं। फैन बनना चाहते हो तो भगवान का बनो, भगवान जैसे करो। भगवान जिस प्रकार देखो स्वयं विश्व ब्रह्मांड के मालिक होते हुए भी ठाकुर जी कितने सुंदर तिलक कर रखे हैं। ठाकुर के गले में भी घंटी है। महाप्रभु नित्यानंद को घंटी धारण करके शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि हमको भी तुलसी धारण करना चाहिए। देखो तिलक का और बहुत सारे साइंटिफिक रीजन से एक घटना है कि
हमारे भारत के जो सबसे जो टॉप मोस्ट जो मेंटल हॉस्पिटल में से एक हॉस्पिटल रांची में है, रांची का पागलखाना नाम सुना? तो उस रांची में एक जो प्रोफेसर थे, उस रांची हॉस्पिटल का बड़े प्रोफेसर जिनका नाम था डॉक्टर रति रंजन सेठी, आप लोग जाके घर में एकदम नेट में देख सकते हो, पूरा का पूरा अवेलेबल है। हम लोग लेकिन सास बहू की लड़ाई सीरियल कभी सास की बहू थी ये सब देखते रहते हैं, भैया लोग मूवीज देखते रहते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक चलाते रहते हैं, अच्छी चीज़ को हम नहीं देखते, जितने गंदे से गंदे चीज़ उसको मतलब बढ़िया है इसको देखते हैं आगे नहीं। भैया ये सब तो देखो, इससे शिक्षा लो। तो देखो उन्होंने साउथ में गए थे, अब साउथ में जाके देखा कि सारे जितने भी रामानंदी लोग थे उनके पूरा मुख में रामानंदी तिलक था। तो उन लोगों ने उस समय उस डॉक्टर की टीम भी गए थे और टीम जाके वहाँ पे रिसर्च किए कि भाई तिलक में ऐसा कौन सा चीज़ है ये पंडित लोग लगाते हैं, यदि आप सनातन धर्म में है तो निश्चित रूप में इसका कुछ ना कुछ महिमा होगा, कुछ ना कुछ महिमा होगा। तब उन्होंने आके रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद पता चला कि तिलक में ऐसा एक एंटीबायोटिक है, ऐसा एक एंटीबायोटिक है कि हमारे जो ब्रेन को वॉक करने वाला स्टेज पे एक डोपामाइन है जिसको इंक्रीज हो जाने से क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने से व्यक्ति दुख होता है और धीरे धीरे अगर डिक्रीज होने लगा तो व्यक्ति पागल हो जाता है, साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ। तो उन्होंने आके यहाँ पे एक पागल को इलाज करवाया, एक पागल को माथे पे सर पे तिलक लगा करके इलाज करवाया, देखा वो पागल धीरे 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 उसका डोपामाइन पावर डिक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, धीरे 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 वो ठीक हो रहा है। अभी 90% इलाज वहाँ पे तिलक से हो रहा है, 90% इलाज तिलक से हो रहा है, तिलक से, तिलक के माध्यम से 2 घंटा 3 घंटा देखना नेट में सर्च करके, तिलक 2 घंटा 3 घंटा पागलों के शरीर पे लगा देते हैं। आजकल एक पागल को तिलक लगा देगा ना तो दूसरे को बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप लगा देगा, अपने आप लगा देगा वो पूरा का पूरा। देखना यहाँ माथे से लेके यहाँ तक हम तो थोड़ा सा करने के लिए डरते हैं, लज्जाता है हमको, लेकिन पूरा का पूरा माथे में तिलक से अभी बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, ये तिलक का महिमा है। और देखो एक सच्ची घटना है, ये तिलक कल हम प्रभु जी श्रवण करवा रहे थे कि जिस समय कृष्ण ने बुद्ध नाम का लीला हुआ उस समय उसके पश्चात ये भैया यशोमती भगवान के नाम ले लेके भगवान के शरीर पे द्वादश तिलक कर रहे। जिन जिनको गुरुपाद पद्म से दीक्षा या हरिनाम हुआ होगा गुरु महाराज जी प्रायः तो सबको ये बात कहते हैं कि भैया ये तिलक नहीं है, ये तिलक नहीं है, मानो कर्ण के शरीर में जैसे कवच था, कर्ण के शरीर में कवच था कि नहीं, जब तक कवच कर्ण ने निकाल के नहीं दिया तब तक उसको कोई बाल भी बांका करने वाले नहीं है, इसीलिए मानो ये कवच है शरीर में, ये पूरा का पूरा ये कवच है। एक सत्य घटना उस दिन जी प्रभु भी सुना रहे थे, हमारे ऋषि प्रभु नोएडा के सब लोग जानते होंगे। तो एक समय की बात है, प्रभु जी और दो व्यक्ति, दो भक्त, दो प्रभु जी, तीन व्यक्ति गाड़ी में मोटरसाइकिल में जा रहे थे। कुछ दिन पहले की घटना है कि एक्सीडेंट हो गया, ऋषि प्रभु ने पूरा शरीर से तिलक कर रखे थे और बाकी जो दो प्रभु थे उनका तिलक मिट गया था, यद्यपि भक्त है फिर भी मिट गया था, लेकिन ऋषि प्रभु ने तिलक कर रखे थे। दो व्यक्ति का तो ऐसा स्थिति हो गया, किसी का ब्रेन में हेमरेज, किसी का घुटने पे हेमरेज, ऐसे पूरा ब्लड जम गया और भयंकर आघात हुआ, लेकिन ऋषि प्रभु का कुछ नहीं हुआ, बोले कुछ भी नहीं हुआ, बोले क्यों? क्योंकि बता रहे हैं कि साक्षात ये जो तिलक है ये साधारण नहीं है, ये साक्षात कवच सदृश है, ये साक्षात कवच है। कनाडा के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर सोहम बोल के वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट कैरियोलॉजिस्ट इन कनाडा, कनाडा के सबसे बड़ा एक हार्ट रोग को ठीक करने वाले एक डॉक्टर थे। तो अभी कुछ दिन पहले की घटना है, तो कनाडा में एक इस्कॉन भक्त रस्ते में तिलक करके चल के जा रहे थे और अचानक से वहाँ पे कार का स्पीड तो हमारे इंडिया जैसे होता नहीं, पूरा आके मार दिया और जैसे आराम कार के कार चले गए और व्यक्ति ऐसे गिर के पड़े कि मानव शरीर में पूरा का पूरा और जान भी नहीं बचा। ऐसा था कि उन्होंने कार के अंदर जो व्यक्ति था उसको भी कुछ आगे जाके एक्सीडेंट हो गया, कुछ आगे
दोनों व्यक्ति को ही कनाडा में एक हॉस्पिटल है, अमेरिक क्यूरी हॉस्पिटल, तो उस हॉस्पिटल में लेके आए। तो कार के अंदर जो व्यक्ति थे उनका तो ऑलमोस्ट डेड थी, ऑलमोस्ट पूरा बहुत खून निकल चुका था और बहुत मरने ही वाले थे। लेकिन जिसको कार के ऊपर, शरीर के ऊपर कार चढ़ गया था, जिसमें भक्त थे, उनके बस यहाँ पे थोड़ा सा खरोच आया, हाथ में थोड़ा सा खरोच आया था, हाथ में थोड़ा सा खरोच आया था, लेकिन उनके शरीर में यहाँ पे देखा गया कि ब्लॉड उड़कर सारे शरीर में जम गया था। तो वहाँ पे जैसे डॉक्टर सोहम रिसर्च किए, उनको ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो उसको पूछे कि भैया तुम तो कैसे बच गए, ये व्यक्ति तो पूरा मरने ही वाला था और तुम्हारे ऊपर तो पूरा का पूरा कार चढ़ गया, फिर भी तुम बच गए। सच्ची घटना है, विश्वास नहीं होगा तो नेट में देख लेना, सच्ची घटना है। पर तुम कैसे बच गए? तो वो बोल रहा है कि देखिए डॉक्टर साहब, मेरे गुरुपाद पद्म ने, यानी वो था इस्कॉन के कोई महाराज जी के शिष्य था, वो महाराज जी के नाम लेके बोल रहा है कि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि तिलक करके जाओगे तो जीवन में कोई भी दुर्घटना, कोई भी विपत्ति तुमको अटैक नहीं कर सकता, ये साक्षात कवच है, इसलिए मैं बच गया, ये गुरुदेव का कृपा है, इसलिए देखो तिलक। इसलिए सबके साथ तिलक ने ऐसे फोटा लगा दिया, फोटा से नहीं, शास्त्र ने तिलक का विधि बताया,
रहे थे, बोले बाबा इतना रो रहे हैं, बोले इन तरह के स्वर्ग के देवता है, इनके अधीन में बैठ रहता है और हम लोग Thank you.
गछड़े को मुंह पीछे करके उसको पूछ को फेंक दिया। इतने में भैया उतर कर ये गछड़ा पीछे चला गया। कृष्ण उसको बहाना बना करके पीछे गए और राधा रानी को कैसे फंस कर दिया। राधा रानी बड़ी खुश हो गई। राधा रानी सोच रही है मेरे को कृष्ण थोड़ा दर्शन दे। किस दर्शन दे? कृष्ण का जो लहू भी है ना वह हीरे जवाहरात से ज्यादा था। कृष्ण अपना लहू के ऊपर ऐसे किया तो मैं हीरे जवाहरात से चढ़ी हुई। इतने में कृष्ण का जो प्रतिबिंब है वो हीरे जवाहरात के ऊपर पड़े और राधा रानी के प्रतिबिंब उसमें पड़े और दोनों दोनों अपना हाथ को मिला कर काम कर दिया। ऐसे ही समस्त ब्रजवासी बड़े आनंद पूर्वक पिताजी खाते थे। इन लोगों ने भंडारा भी दिया है और इन लोगों ने
ये जगह पे भी कथा करने के लिए हमें सुने में दिया, कल कल कथा में आना, ठीक है। देखो यहाँ पे सुना, जिन लोगों ने सात दिन में थोड़ी सी सुने, आधा से आए हो, पूरी नहीं आ पाए, कल का कथा को जो सुनेगा उसको पूरा सात दिन की कथा सुनने का फल मिलेगा, कल की कथा को जो सुनेगा। आप लोग जल्दी आ जाना, ऐसे नहीं जब कथा की विश्राम होने जाए कभी आओ, आप लोग कल कुर्सी जल्दी आई हो कथा सुनने के लिए, वो माला ऐसा दे दूंगा। हाँ देखो, जो माला जब करना चाहते हैं आप आ करके देख के माला ले, जो प्याज उसमें भी खा रहे हो बाद में छोड़ोगे, अभी खा रहे हो मांस भी खा रहे हो मछली भी खा रहे हो, आप तीन माला लेके कर सकते हो। अब जो बोलेगा छोड़ दूंगा मेरे गले में आपको पुलिस कर दूंगा, ठीक है। जो लेना चाहता है ये नीम की माला दे रहा है, तुलसी माला नहीं, तुलसी माला कभी दूंगा आप।